नमस्कार स्टूडेंट स्टूडेंट एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर होगी एंड अनदर ट्रायंगल हुज साइड्स आर इन द रेशियो ऑफ 7:5 आर द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको गिवन मेजरमेंट पर ट्रायंगल बना लेना है। तो आइए करते हैं। यहां पर सबसे पहले हमारे पास 5, 6, 7 है, तो पहला स्टेप ये होगा कि हम सबसे लार्जेस्ट साइड के का सेगमेंट ले लें, लाइन सेगमेंट करके यहां पर बनाते हैं। तो यहां पर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। आपने इस पर यहां 7 है, यहां से आपने 7 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ कर दिया, राइट। आप यहां पर इसका नाम दे दें कि ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है और ये कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब क्या करिएगा, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लें, बी और सी, मेरा तो बी और सी तो आ ही गया है, अब थोड़ा इसको आगे ही रखिए बढ़ा करके, क्योंकि जो हमारा इसका आगे बढ़ाने का रीजन क्या होगा, इसको आगे बढ़ाने का रीजन क्या है, क्योंकि यहां पर आप देखिए 7/5 है, डेनोमिनेटर कम है, तो जो ट्रायंगल बनेगा वह इससे बाहर बनेगा, ठीक। इसलिए मैंने इसको इतना आगे बढ़ा लिया और इसको नाम दे देते हैं हम सी डॉट, दे दिया। आपने क्या करना है, फिर अपना कंपास लेना है और कंपास पर क्या करना है, आपको एक तो 5 सेंटीमीटर और एक 6 सेंटीमीटर की जो है आर्क भर लेना है। तो पहले तो 5 सेंटीमीटर का आर्क भरते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 0 है और ये 5 सेंटीमीटर, हम 0 से 5 सेंटीमीटर का आर्क भर लेंगे, ठीक है। 0 पर रख करके 0 से 5 सेंटीमीटर का आर्क भर लेंगे और यहाँ से रख करके एक आर्क हम यहां पर लगा देंगे, इस तरह से लगा दिया। अब क्या करना है, 6 सेंटीमीटर का भर लेना है, ऐसे ही 0 पर रखें और इसे 6 तक बढ़ा लें, 6 तक बढ़ा लिया। अब आप कहां रखेंगे, सी पर रखें और सी पर रख करके इसे आप काट दें, बन गया, इससे ये बन करके तैयार हो गया। अब आप क्या करें, यहां का भी जो आप बनाएंगे इसको भी आप आगे तक बढ़ा के रखें। मैं मान के चलता हूं कि ये यहां तक बढ़ा लिया मैंने, लेकिन जो मेरा पॉइंट होगा वो ए होगा और ये हो गया 5 सेंटीमीटर और सी से ये ड्रा हो गया, हो गया कितना बना, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। आपने ए बी सी ड्रॉ कर लिया जो आपको गिवेन है, ये चीज गिवेन है, आपने यहां पर ड्रॉ कर दिया। अब क्या करना है, बी से यहां पर नीचे आप एक रे बना लें और यह एक्स तक आपने इसको बढ़ा लिया, रे हो गया बी एक्स। आपके पास कितना है, 7, यहाँ पर 7/5, तो सबसे लार्जेस्ट क्या है, 7 है, इसमें हम 7 तक पहले बनाएंगे। तो 7 आर्क तक हमने क्या करा, 7 कट लेंगे और इक्वल आर्क 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक, 7 ले लिया। अब क्या करिएगा, आपके पास कितना है, पहले 5, तो यहां पर इसको आप ले लेंगे, यहां पर मैं मान के चलता हूं कि B1, B2, B3, B4, B5, B6 एंड B7, ठीक। B5 हमारे पास जो डिनोमिनेटर है पहले उसको ड्रॉ कर लें, तो B5 से C को आप कर लें, यहां पर ये B5 है, इससे आप इसको टच कर लें, ज्वाइन कर दीजिए। आपने इसको ज्वाइन करा दिया, ठीक, इसको ज्वाइन करेंगे यहां से, ये पॉइंट आपने ज्वाइन कर लिया।
अब जो मेरा बनना है वो क्या बनेगा, वो बनेगा इस तरह से, यहां से बी सेवन। पहले क्या करें, मेरे पास ये पॉइंट इस पर नहीं है, इस सी डॉट को हम बाद में लिखेंगे, पहले हम यहां से इसको कर लें, यहां से एक आर्क बना लें, मेजर कर लें इसको। मैं मान के चलता हूं कि ये हो गया, तो बी सेवन पर आप रखेंगे इस तरह से। इसके बाद क्या करिए, इसको डिस्टर्ब करिए आर्क अपने कंपास को, और इससे इसकी लेंथ ले लीजिए, ले लिया, इसी को यहां रखिए इनिशियल पॉइंट पर, और यहां से इनिशियल पॉइंट पर रख करके इसको कट कर दीजिए। कट हो गया, क्या करिएगा, इसको लेंगे और सेबिन से इसको ले जाए इस कट के थ्रू यहां पर, ठीक यहां पर ले आए और आपने इसको ऐड कर दिया, हो गया। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी। अब क्या करना है, सेम प्रोसीजर वही है कि आपने इसको पहले मेजर कर लेना है, इसका एंगल क्या होगा, इसको मेजर कर लें, तो यहां से रखें इस पॉइंट पर और इसको यहां से आर्क बना लें, फिर उसी पॉइंट पर यहां रखें बिना डिस्टर्ब किए हुए, इस पर रख करके इस पॉइंट पर और एक आर्क आप ऊपर ड्रॉ कर लें, फिर इसको मेजर कर लें ये पॉइंट, और यहां पर इनिशियल पॉइंट पर रख करके आप इसे कट कर लें, हो गया। बस अब आपका यहां से ये बन जाएगा, ठीक है जी। फिर से एक बार करते हैं, डिस्टर्ब हुआ है आपका स्केल, फिर से इसको कर लीजिए और इसको आप यहां से क्या करें, इसको ज्वाइन कर लें। क्या हो गया, ये जो आया ये क्या बना, सी डॉट बना, ये ए है तो ये क्या जाएगा, ए डॉट हो गया। पहले क्या किया आपने, फिर से एक बार समझे, सेवन सेंटीमीटर बी सी ड्रॉ किया, इस पर आपने 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का कट लगाया जो ए पॉइंट पर हो गया, ए बी सी हो गया। आपके पास यहाँ डिनोमिनेटर कम है तो सबसे पहले आप छोटा बनाएंगे, छोटे से आपने इसको बना लिया, इसके बी फाइव को सी से आपने ऐड कर लिया, जितने डिग्री का ये बना आपने कंपास पर मेजर करके उतना ही आर्क लगा करके ये बना लिया, बी सेवन और सी को ज्वाइन कर लिया, और इसी तरह से इसको मेजर कर लिया, इतने ही एंगल का आपने इस पर आर्क लगा के कट कर लिया और आपने ए से जोड़ दिया। अब आपके पास जो ट्रायंगल ए बी सी होगा वह जो होगा सिमिलर टू ट्रायंगल ए डॉट बी और सी डॉट के सिमिलर हो जाएगा। जस्टिफाई करने के लिए कहेगा तो करेंगे, लेकिन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लिखेंगे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में आपने जो जो काम किया आप क्रम से उसे लिखते चले जाइए, फाइनली आपका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लर्न करने का सब्जेक्ट नहीं है, आप जैसे जैसे काम कर रहे हैं वैसे वैसे आप करते चले जाइए, लेकिन स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो हो वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हुआ हो। थैंक्स टू वॉच।